अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को मलेशिया की मोस्ट फेमस प्लेस लिटिल इंडिया का विज़िट कराऊंगी, क्योंकि ये जो लिटिल इंडिया है इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे फूड, इसके अलावा आपको इंडियन कल्चर से रिलेटेड जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो आपको एक वॉकिंग स्ट्रीट पर जो है ना मिल जाती हैं। और ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको हर तरह का फूड जो है वो इंडियन स्टाइल में मिलेगा और आप डेफिनेटली बहुत इन्जॉय करेंगे। तो अभी हम लोग जो है वो ट्रेन में वेट कर रहे हैं अपने जो है वो लिटिल इंडिया के सफ़र की तरफ। अच्छा, यहाँ पे भी मलेशिया में जो ट्रेन का आप कह सकते हैं कि सारा सिस्टम था, बहुत ही ऑर्गेनाइज था, बुलेट ट्रेन सिस्टम था। और यहाँ पर आपको एक पास मिलता है जिसके थ्रू जो है आप आराम से विज़िट कर सकते हैं, और वो पास जो है वो आपको बनवाना पड़ता है। तो अभी हम लोग जो है आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से जो है ना उन्होंने तमाम एरिया को डेकोरेट किया हुआ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लिटिल इंडिया के मेन प्लेस पे। ऐसा कि आपको यहाँ के लगेगा कि बिल्कुल आप इंडिया में ही मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह शॉप्स डेकोरेटेड थी, इसके अलावा जिस तरह खाने को डिस्प्ले किया हुआ था, लाइट्स का जिस तरह इस्तेमाल था, सब कुछ बिल्कुल इंडियन स्टाइल में था। और ये जो है वो लिटिल इंडिया की ब्रांच थी। ये आपको नज़र आ रहा है एक स्टैचू, और वो भी बिल्कुल एक इंडियन वुमेन है। इसके अलावा इन्होंने बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ इनकी ब्रांचेज मज़ीद मौजूद हैं। इसके अलावा लिटिल इंडिया में मुख्तलिफ तरह के जो है वो इंडियन फूड आप लोगों को मिलेंगे। उसमें आप हर स्टाइल के, इवन कि गोलगप्पे भी हमने ट्राई किए, वो भी बहुत ज़बरदस्त थे। इसके अलावा इंडिया की डिफरेंट आप कह सकते हैं कपड़े, ज्वेलरी, इस तरह की बहुत सी चीज़ों की जो है ना आपको शॉप्स नज़र आएंगी लिटिल इंडिया की स्ट्रीट में। तो कभी आप लोगों का आना हुआ मलेशिया और कुआलालंपुर, आप लोगों ने विज़िट किया, तो लिटिल इंडिया को आप ज़रूर देखिएगा और आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, इसके अलावा हर तरह की शॉप्स, बच्चों की शॉप। अब ये जो है गोल गप्पों का स्पॉट था, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गोल गप्पे जो है वो दे रहे थे। और मलेशिया आके जो है वो नारियल से तो हमारा अल्टीमेट प्यार हो चुका है, और अभी हम लोगों ने नारियल भी लेना है। और नारियल जो है आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, ज़्यादा हैं। ये आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा, और वैसे भी ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हाँ जी, अब आ चुके हैं हम अपने फाइनल पॉइंट पे, जहाँ पे हम लोगों ने मेन फूड ट्राई किया। एक फ़ास्ट फूड पॉइंट था, यहाँ से हमने बर्गर, इसके अलावा चिकन पीस, और हमने जो है वो कोल्ड ड्रिंक ली। आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि लिटिल इंडिया मलेशिया का आपको विज़िट कैसा लगा, और आप लोगों ने सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ को इन्जॉय किया है। उम्मीद है ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।